एक राज्य 51 जिले, हर खबर पर हमारी पैनी नजर, मध्य प्रदेश की हर एक खबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ eNewsMP.com। नमस्कार, ई न्यूज एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। सीधी नगर पालिका अध्यक्ष की सीट सामान्य क्या हो गई? सोशल मीडिया में प्रत्याशियों के प्रत्याशा की धमाल मच गई। कांग्रेस जहां चुपचाप है तो वहीं भाजपा समर्थित युवा नेताओं के समर्थकों में नया जोश आ गया है। कल से बीजेपी की यूथ टोली में तरह तरह के जहां बयानबाजी सोशल मीडिया में धमाल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस चुपचाप मजे ले रही है। बहरहाल सोशल मीडिया में छाई प्रत्याशियों की प्रत्याशा केवल मनोरंजन है, सच्चाई तो कुछ और है। सीधी जिला चिकित्सालय में इन दिनों साफ सफाई और सिक्योरिटी ठेकेदारी के लिए आपसी खींचातानी का दौर चल रहा है। VO2 सीधी सफाई और सिक्योरिटी के नाम पर अपनी जेब गरम करने वाले तथा कथित ठेकेदारों की मनमानी चलेगी या अल्प विराम होगा, ये तो अस्पताल प्रबंधन तय करेगा। बता दें कि सफाई और सिक्योरिटी के नाम पर व्यय हो रही सरकारी राशि सही कारगर साबित होना नहीं दिखाई देती। देखना होगा कि इस समस्या पर जिम्मेदार अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं। शिवसेना के जिला प्रमुख विवेक पांडे ने किसानों के समर्थन में आज प्रधानमंत्री के नाम पर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है और इस 3 कानून बिल के बारे में संशोधन की बात भी कही है। जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में न्यूनतम समझौता करना चाहिए। शिवसेना के प्रमुख विवेक पांडे ने कहा, इस किसान बिल का समर्थन हम सब करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत संशोधन करना चाहिए। किसानों की आवाज़ सुनकर उनकी मांगों पर पहल करना चाहिए। जिस प्रकार से देखा जाए, हालात किसानों के चल रहे हैं, आए दिन किसानों का आंदोलन और आक्रोश है, तो ये कहीं न कहीं अन्नदाताओं की बात को सुनी जाए। प्रधानमंत्री जी के नाम से आज ज्ञापन दिया जा रहा है और मेरी मांग है कि कहीं न कहीं जो किसान आज रोड पर हैं अपनी मांगों को लेकर, बिल में संशोधन को लेकर, तो उन्हें प्रधानमंत्री जी ध्यान देते हुए जो है तो उनकी मांगों को देखा जाए, जो भी हो सके संशोधन किया जाए। और मैं किसानों से एक चीज़ और अपील करना चाहूँगा, हमारे किसान बंधु ये भी ध्यान दें कि आपके सड़क में आंदोलन करने से, दुकानें बंद कराने से कहीं न कहीं छोटे व्यापारी और गरीब तबके के लोग मारे जाते हैं। तो आप लोग आंदोलन तो करें, लेकिन ये ध्यान दें कि जितने सरकारी दफ्तर हैं और जितने मंत्रालय हैं इनमें ताला दें, इनमें ताला देने की जरूरत है, बंद करने की आवश्यकता है, ना कि छोटे व्यापारियों का पेट मारने की जरूरत है। मेरा निवेदन यही है नरेंद्र मोदी जी से, इस मामले में जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने आया हूँ। सीधी में आज मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जिला न्यायालय के जिला और सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा मानव अधिकारों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं को जागरूक करने और सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग अवधेश सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि समाज को जागरूकता और सशक्त बनाने के लिए हमें अपने अधिकारों को जानना आवश्यक है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की गाड़ी में पथराव। पश्चिम बंगाल प्रदर्शनकारियों ने डायमंड हार्बर में एक सड़क को अवरुद्ध करने का प्रयास किया है, जहां से भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा का काफिला गुजर रहा था। प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले पर भी पथराव किया। पथराव की वीडियो भी गाड़ी के अंदर से ही बनाई गई। पश्चिम बंगाल में BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पथराव की वीडियो भी गाड़ी के अंदर बैठकर लोगों ने ही बनाई। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की कार पर हमला करवाया है, पत्थर फेंकवाए हैं। ये कायराना हमला है, पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं फेंका गया है, पत्थर लोकतंत्र पर फेंका गया है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है, जिसे पश्चिम बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। ममता दीदी, नड्डा जी की गाड़ी पर फेंका गया पत्थर बंगाल में TMC के कफन में अंतिम कील साबित होगा। न बंगाल ये हमला बर्दाश्त करेगा, न देश ये हमला बर्दाश्त करेगा। विश्वास सारंग ने कहा, कलेक्टर कमिश्नर पर CM द्वारा की गई सख्ती और कार्यवाही, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का कल्याण और प्रदेश का विकास, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। CM शिवराज सिंह चौहान को मैं बधाई देता हूं, उन्होंने 15 वर्ष तक मध्य प्रदेश को संभाला और 13 महीने का जो कांग्रेस का काला अध्याय था उसको भी हटाया। कांग्रेस की सरकार ने पैसे लेकर नियुक्तियां होती हैं, विवेक तन्खा ने सच्चाई बयां की है। कई मायने में वहाँ जो सोचते हैं वही बोलते हैं। नेता से कुछ नहीं होता, नीयत से ही सब कुछ होता है।
कांग्रेस की नीयत अगर नहीं बदलेगी तो उसकी स्थिति ठीक नहीं होगी। कांग्रेस के घोटालों के कारण उसकी स्थिति बद से बदतर है। प्रभु राम चौधरी ने कहा कि शहडोल में डॉक्टरों की लापरवाही नहीं थी तो वहां के लोगों को क्यों हटाया गया। मंत्री जी को लगा कि वहां लापरवाही है, इसीलिए उन्होंने हटा दिया, जो कि स्वागत करने योग्य है। इस तरह की घटना फिर ना हो, यही हमारी प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने 15 वर्ष तो पहले मध्य प्रदेश को संवारा, पर 13 महीने का कांग्रेस का जो काला अध्याय था उसके काले धब्बे धोने का भी काम वो कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश फिर से शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तेज गति से विकास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि अब भाजपा की सरकार है। कांग्रेस की सरकार के समय चपरासी से लेकर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पैसे लेकर नियुक्तियां होती थी, पर अब इस सरकार में पारदर्शी प्रशासन के माध्यम से हम जनता का कल्याण करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में संसद के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा। भूमि पूजन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा से वर्चुअल जुड़े प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा इस दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। आटा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। परिजनों के अनुसार तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। पीड़ित बालिका का इलाज चल रहा है, हालात स्थिर है। संबंधित ग्राम में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया। देखिए, कल ये थाना आटा में शाम लगभग 5-6 बजे के बीच की घटना है, जिसमें 5 साल की बच्ची के साथ में गैंगरेप की घटना की गई है। इसमें कल ही पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। आबादी की तहरीर पे SC ST एक्ट भी इसमें लगाया है, पॉक्सो लगाया है और 376D धारा जो IPC में बनती है उसमें लगाई गई है। जिन 2 अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर पुलिस के पास आई थी, दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने कल ही गिरफ्तार कर लिया है। आज उन्हें कोर्ट पेश किया जा रहा है। अभी उसमें कुछ गांव वाले बता रहे हैं कि साहब इसमें एक और अभियुक्त हो सकता है, संभावित है कि इसमें एक और अभियुक्त हो, उसकी तलाश की जा रही है, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। एक राज्य 51 जिले, हर खबर पर हमारी पैनी नजर, मध्य प्रदेश की हर एक खबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ eNewsMP.com पर।